फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्केचिंग की। तो पैर स्केच बनाएंगे हम इजी स्टेप के साथ। तो कई इजी स्टेप के साथ हम स्केच बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग बनाना कि हम इजी ड्राइंग कैसे बनाएं। पहले शुरू में हम जो स्टार्टिंग में जो हमारी ड्राइंग होती है वो कैसी होती है, तो हमने क्या करना है, एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके की ड्राइंग बनाकर दिखाती हूँ, जो कि हम लाइन आर्ट कहते हैं, जिसे यानी कि सिंपल वर्क होता है। बिल्कुल लाइंस में ही हम बनाएंगे, यानी कि उसमें कोई भी वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ लाइंस के साथ करेक्टर्स निकालेंगे कि किसी भी ड्राइंग का करेक्टर कैसा होगा। तो मैंने मार्कर से आज की जो ड्राइंग है, मैं एक सिंपल ड्राइंग आपको मार्कर से बनाकर दिखाती हूँ कि हम पहले स्टार्टिंग में ऐसी ही ड्राइंग करते हैं। तो इस ड्राइंग में भी एक फ़र्क होता है कि हम इसकी ड्राइंग अच्छी बना सकें, यानी कि कोई भी हमारी जो स्केच है किसी भी चीज़ का है, उसे हम कितनी कैसे आइडिए के साथ हम जो स्केचिंग है वो बना सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड्स का जो सब्जेक्ट लिया है वो है पैरट। तो हम कई एंगल के साथ एक पैरट की ड्राइंग बनाएंगे। तो मैं पहले स्टार्टिंग में हम कैसी ड्राइंग कर सकते हैं, कैसा हमारा जो हैंडवर्क है वो होता है, कैसी हमारी ड्राइंग होती है, वो मैं आपको बनाकर बता रही हूँ कि हम शुरू में ऐसी ड्राइंग करते हैं जैसे कि हम लाइन आर्ट वर्क कर रहे हूँ। इसमें हम ज़्यादा वर्क नहीं करते, सिर्फ सिंपल लाइंस लगाकर हम वर्क करते हैं। तो ये रेडी हो गया है हमारा स्केच सिंपल तरीके के साथ। तो दूसरी साइड हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी हम ऐसा ही स्केच आपको करके दिखाएंगे जैसे हमने सिंपल स्केच आपको बनाकर दिखाया। और दूसरा जो हम स्केच बनाएंगे वैसा ही बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग करेंगे, बट उसमें कुछ वर्क करके हम जो स्केच को आगे बढ़ाएंगे, हमारी जो स्केचिंग है उसे। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि मैंने पहले स्टेप में सिर्फ सिंपल स्केच आपको बनाकर दिखाया, तो दूसरे बार में मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी बार एक सिंपल स्केच को बनाकर उसमें थोड़ा मोटा वर्क करना, जिसे हम एडवांस लेवल कहते हैं कि एडवांस में स्केच में कुछ कर देना, यानी कि एडवांस में हम कुछ वर्क करेंगे ऐसा। देखो, थोड़ी सी डिटेल देनी है हमने, कुछ डिटेल देंगे, यानी कि ज़्यादा इसमें हम वर्क नहीं करेंगे। तो आपको मैं बड़े सिंपल तरीके के साथ एक सिंपल ड्राइंग बनाकर दिखा रही हूँ। पहले जैसे हमने लाइन आर्ट किया, आप चाहो तो इसमें मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आपको पेंसिल से बनाकर दिखाया है कि हम कुछ डिटेल लाएंगे, थोड़ी मोटी इसमें डिटेल देंगे इस स्केच को, कि जाने कि उससे बेटर, थोड़ा बेटर कैसे बनाएं। तो ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, देखो इसमें थोड़ा मोटा हम शेड देंगे जिसमें कि उससे ज़्यादा डिफरेंट लगे, इस जो स्केच मैंने पहले बनाया उससे ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट लगे, इसीलिए मैंने इसमें शेड भर के आपको मैं दिखाऊंगी कि थोड़ी मोटी डिटेलिंग करके भी हम स्केच अच्छा बना सकते हैं, कोई भी वर्क करके, यानी कि ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा सा क्लियर करेंगे। जैसे उनके मैंने यहाँ पे आउटलाइन दी थी, आउटलाइन को थोड़ा सा रब करके हमने स्केच को कैसे यानी कि कंप्लीट करना है, यानी कि उससे
थोड़ा सा बेटर है। हम एक स्केच जो स्केच हम ले रहे हैं जिसको जिसकी ड्राइंग कर रहे हैं उस ड्राइंग को हमने कहाँ तक कैसे 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 करके उसके उसको ड्राइंग करनी है, कैसी ड्राइंग करनी है, किस किस शेड में उसे बनाना है, कहाँ से रब करना है, ये हमने थोड़ा सा इसमें सीखना है। इसमें हमने क्या सीखा है कि हम इसमें शेड दे रहे हैं बार बार थोड़ी मोटी डिटेलिंग करके। तो यहाँ पे मैंने पंख बना दिए, उसमें लाइन्स डाल दी है, जैसे लाइन्स होती हैं वैसे ही थोड़ा सा मैंने यहाँ से रब कर दिया है, यानी कि हमने आपको दिखाई दे रहा है कि हम पूरी स्केचिंग में कैसा वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल मामूली सा वर्क है, तो हमने सिर्फ आउटलाइनिंग को रब किया है थोड़ी मोटी शेड देकर। ये तो आपको क्लियर पता लगेगा ना कि ऐसी भी ड्राइंग हम कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम ड्राइंग में कैसा उसमें इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसी इमेज को कैसे एंगल के साथ बनाएं। तो ड्राइंग ये रेडी हो गई है, देखो सिंपल स्टेप के साथ। तो अगला स्टेप हम लेते हैं पैरेट स्केच, पैरेट ड्राइंग का ही हम करेंगे। तो हम उसमें क्या वर्क करने वाले हैं ये देखो, उसका हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। तो एंगल चेंज कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, किसी ड्राइंग को लेना है, थोड़ा सा उल्टा घुमाकर उसकी ड्राइंग करके देखनी है स्केचिंग हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हम लाएंगे इस स्केच में, यानी कि आपको हमारा सीधा सा जो तरीका है वो आपको समझ आए कि हम ड्राइंग पहले सिंपल बनाते हैं फिर उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल डाल कर देखते हैं, यानी कि करके देखते हैं कि जो हमारी स्केचिंग है वो कहाँ तक पहुँची है, कैसे हमने शेड करके नॉलेज अपनी बढ़ानी है, यानी कि स्केचिंग में कोई भी वर्क करके। तो सीधा सिंपल तरीका है ये, तो मैं इसमें थोड़ी मोटी आपको डिटेल करके दिखाती रहूँगी कि हम मैंने ये जो स्केच है वो कैसा बनाया है, कैसे बना रही हूँ। तो सिंपल पेंसिल है मेरे पास, कोई शेड वाली पेंसिल चारकोल पेंसिल नहीं है, एक सीधा तो सिंपल तरीका है। जैसे मैंने चोंच का जो हिस्सा है फेस का वो थोड़ा सा क्लियर बनाया है, तो जो बैक साइड है पीछे की ओर यानी कि बाकी की जो बॉडीज़ है वो हम मैंने कैसे बनानी है, तो पैच वर्क सा मैं काम करूंगी यहाँ पे, कि हम आइडिया के साथ उस किसी स्केच को देखकर बना रहे हैं। तो मेरे पास कोई स्केच देखने के लिए नहीं है, तो मैं अपने आइडिया के साथ ही बना रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है, तो मेरे माइंड में जो आया भी यानी कि मैंने कैसा स्केच बनाना चाहिए, इसका एंगल थोड़ा चेंज करके देखते हैं, चीज़ वही है। सो मैं उसमें थोड़ा सा ड्राइंग में इफ़ेक्ट लाया कि इसको कैसा बनाऊं। तो मैंने पूरी यानी कि स्केचिंग को बना लिया है, तो अभी मैं इसमें शेड भर के थोड़ा सा डिटेल निकाल ली हूँ। इसमें ज़्यादा वर्क मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं आगे की ओर जैसे स्टेप बाय स्टेप जो स्केचिंग है वो करती आ रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी है। तो सिंपल स्केच बना कर दिखा रही हूँ कि हम एक सीधा सीधा सा स्केच ड्रा कर लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल लेते हैं, फिर उसमें फिर दो तीन पार्ट उस चीज़ के बना लो, उस ड्राइंग बना लो आप, एक एक करके उसमें इफ़ेक्ट डाल कर देखो, उसमें जो अपनी लाइन्स है, शेडिंग है, रब करना है, वो सब इसमें एक जगह नहीं बार बार हर चीज़ में डाल कर देखो, यानी कि स्केच हमारा कैसा लगे।
कैसा ड्राइंग हमारी बन सकती है। हमने सिर्फ मटेरियल को नहीं देखना है कि मटेरियल कैसा है हमारा, हमने सिर्फ ड्राइंग की ओर देखना है कि जो हमारी ड्राइंग है वो कैसी है, वो कैसा ड्रा करना है। हमने सिर्फ ड्राइंग देखनी है। हर चीज़ को आप 20 बार 10 बार कितनी बार मर्जी बना लो, यानी कि उसकी ड्राइंग आपको आनी चाहिए। जितनी बार आप उतनी बार कोशिश करते रहो, जितनी बार आपको ड्राइंग नहीं आती आप उसको ड्रा नहीं कर पा सकते, उतनी बार आप करके एक ही स्केच को बार बार करके देखो, एक बार ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि हर स्केच में, हर ड्राइंग में आपको एक न्यू आइडिया के साथ आपकी ही चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आप ही इफ़ेक्ट लाएंगे उस ड्राइंग में कि हमने कैसे ड्रा करनी है, कैसे ड्रा की है। जैसे मैंने पहले सिंपल बनाकर दिखाया आपको, फिर दूसरी बार कैसे उसमें क्या फिल किया, अब मैं इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग दूंगी, यानी कि लाइंस आर्ट भी मैंने कर दिया है इसमें। तो दूसरा स्टेप था हमारा शेड देना, और शेड दे दिया है मैंने, देखो हर चीज़ में शेड थोड़ा सा। तीसरी बार मैंने क्या किया है उसमें इफ़ेक्ट लाया है, यानी कि उसका एंगल चेंज करके देखा है, उसी चीज़ का एंगल चेंज करके देखा है कि क्या मैं उस टाइप का भी कुछ बना सकती हूँ। तो बड़ा सिंपल तरीका है ये सीखने का, हमारी ड्राइंग अच्छी करने का एक अच्छा तरीका है ये, कि एक ही चीज़ को दो तीन पार्ट में बांट कर उसमें हर चीज़ को फिल करके देख सकते हो। ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइन लगा लो, सीधी सी एक सीधी सी लाइन लगा लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इस लाइन्स को क्या बनाएं, एक सीधी लाइन खींच कर आपको क्या बनाएंगे उसका। तो हमारे लिए वो लाइन्स भी इम्पोर्टेंट है कि हमने उस लाइन्स को कहाँ कहाँ तक लेकर जाना, उसकी भी ड्राइंग हम बना लेंगे। क्योंकि उसका हम 3D बना सकते हैं, कोई बॉक्स बना सकते हैं, उस लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ में एक सिंपल तरीका के साथ आपको बताती हूँ कि हम सिर्फ ड्राइंग को इजी तरीके से बनाना सीखें। हमारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, कलर्स बाद में आएंगे, क्योंकि कलर्स हम फिल कर सकते हैं। अगर हमारी ड्राइंग की नॉलेज अच्छी हो जाती है तो ड्राइंग के बाद जो हम कुछ भी ट्राई करते हैं उसमें कलर फिल करते हैं, वाटर कलर करते हैं, ये सिंपल चीज़ हो जाती है। फिर हमारी जो स्केचिंग है वो आनी चाहिए पहले। तो देखो इस तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इजी तरीके के साथ जो स्केच आपके सामने बना रहे हैं, थोड़ा मोटा डिटेलिंग करके तीसरी बार हमने एंगल चेंज किया है। आपको पता है कि हमने एंगल चेंज करके आपको शेड वही है, ड्राइंग वही है उसकी, तो सिर्फ थोड़ी सी डिटेल की है कि उसको डार्क कर दिया है, शेडनेस में हमने शेड देकर उसको डार्क कर दिया है। तो बड़े इजी स्टेप के साथ मैंने सब बनाकर दिखाया है आपको, आपने इसे भी ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।